हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज मैं शॉर्ट करने आ रहे बिजनेस स्टडीज की क्लास नंबर 7, जिसमें हम सीखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है आज हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट ना हमारे यहाँ पर तीन होते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन। साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन सैप SAP, साइंस आर्ट प्रोफेशन, साइंस आर्ट प्रोफेशन। तो आज ये देखते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये चीज हम आज की बात में सीखेंगे। दोस्तों बात करते हैं साइंस की, मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है वो बात का मैटर है। पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि साइंस क्या होता है। आप लोग जानते हो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो एक रिसर्च को बार 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 करते हैं और देखते हैं क्या बार बार करने से रिजल्ट वही आ रहा है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। अगर हाँ वही रिजल्ट आ रहा है बार बार उस सिचुएशन में करने पर, तो इसका मतलब है कि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हो कि अगर हम ग्रेविटी के फोर्स के बारे में बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम नीचे गिराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। जी हाँ दोस्तों, साइंस के स्टूडेंट जो रहे होंगे उन्हें पता होगा कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। इसीलिए ये कहा जाता है कि साइंस हमेशा कभी किसी की बोली हुई बातों पर नहीं चलता, बल्कि एक साइंटिफिक रूल्स पे चलता है कि वो साइंटिफिकली प्रूफ होंगे तो ही वो रूल साइंस में अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बार बार हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देखते हैं रिजल्ट क्या, हजारों बार सेम आ रहा है, अगर हाँ आ रहा है तो वो क्या बन गया, एक लॉ बन गया। तो ये बताओ क्या मैनेजमेंट भी एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो देखते हैं। हाँ ये बात सच है कि मैनेजमेंट के बहुत से रूल्स हैं जो हम जानते हैं कि मैनेजर्स देखते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन पर हम ये रूल अगर अप्लाई करें तो हमारा मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट एक साइंस है। तो चलिए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो जनरल ट्रूथ पर बेस्ड होती है, सच्चाई पर आधारित होती है। अब इसके की फीचर्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बिल्कुल सही है। नंबर टू, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उन्हें सिद्धांत तो बनाया जाता है, सिद्धांत बोले तो प्रिंसिपल बनाया जाता है। नंबर थ्री, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ऐसा नहीं है कि मेरे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो नीचे रहेगा, बाकी कहीं गिराओगे तो वो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। साइंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह होता है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो वही बोलोगे यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब इन सब चीजों को देखने के बाद क्या बोलते हो कि मैनेजमेंट एक साइंस है, ये डिसाइड करेंगे इन दोनों को पढ़ने के बाद, जो कि मैंने यहां पर ब्लू लाइन में लिखा हुआ है। अब इसको छोड़ दो, अब आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो पहले डिस्कस करते हैं आर्ट क्या होता है। दोस्तों ये आर्ट वो नहीं जो आर्ट के स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं, वो नहीं, उनकी बात नहीं, कोई स्ट्रीम नहीं है। यहां पर आर्ट का मतलब ये है एक कला से है, मेरे अंदर एक कला है कि मैं पढ़ा सकता हूं, ये मेरी कला है, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ये मेरे अंदर से निकली है। आप लोगों की कला अपने अपने स्पेशलाइजेशन में हो सकती है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हो, आप सिंगिंग अच्छी कर लेते हो, आप म्यूजिक इतने अच्छे से सुनते हो कि एक बार सुनने के बाद आपको उसके लिरिक्स और उसके सारे धुन याद हो जाती है। ये सारी आपकी कला है, ये आपकी एक आर्ट है जो किसी के सिखाने से नहीं आती है बल्कि दिल से निकलती है, और हम अपने आप ही वो प्रैक्टिस में कर करके चीजें सीख जाते हैं। दोस्तों आर्ट को कभी कोई सिखा नहीं सकता। अब ये बोलो कि एक बंदा स्पीच बहुत अच्छी दे लेता है तो उसने बहुत ज्यादा इसको सीखा हो, कहीं से कोई ट्रेनिंग ली, ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर से निकली और उसने बार बार स्पीच दी तो उसकी हर स्पीच में पहले से ज्यादा अच्छी स्पीच बनती चली गई। वो क्या है, एक आर्ट है, उसके अंदर एक कला है। लोग मिमिक्री करते हैं, वो क्या है, एक आर्ट है, जो जितनी बार करता है उसकी उतनी ज्यादा वो कला निखरती चली जाती है। तो अब ये देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। तो देखो, इट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। फिर से पढ़ो, इट इज अ स्किलफुल, मेरे अंदर टैलेंट है, स्किलफुल हूं, एंड पर्सनल एप्लीकेशन, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो स्किल है वो डेवलप हो, ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी पास्ट नॉलेज रही है, टू अचीव डिजायर्ड गोल। इसको ना पूरे एग्जाम्पल से समझते तो आपको क्लियर होगा। जानते हो मैं एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर हूं,
ठीक है, एक एग्जांपल ये बस, मैं कंपनी के अंदर एक मैनेजर हूं, मैं देख रहा हूं पिछले 5 सालों से इस कंपनी के बारे में मैं जानता हूं कि जब कंपनी मार्च के टाइम काम करती है तो इनका काम प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इस टाइम पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं खूब सारा रॉ मटेरियल मार्च के महीने खरीद लेता हूं ताकि मेरे प्रोडक्शन को रोकने की क्षमता किसी में ना हो पाए, मेरा प्रोडक्शन चलता रहे। ये मेरी अपनी स्किल और नॉलेज है, ये कहीं किसी मैनेजमेंट की किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे करोगे तो ये होगा, ये मेरी अपनी स्किल है, मेरा अपना नॉलेज है, जो मेरा पास एक्सपीरियंस है वो नॉलेज मैं अप्लाई कर रहा हूं प्रैक्टिकली, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो मेरे अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, थ्योरेटिकल नॉलेज है प्रैक्टिकली अप्लाई करना। नंबर टू, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मेरे अंदर ये पर्सनल स्किल है, ये किसी बुकों से नहीं आई है, ये क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं अपनी स्पीच की, ये क्या है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी है, तो मैनेजमेंट एक एज एन आर्ट इस तरीके से होती है। क्या ये वाकई होती है नहीं होती, ये ब्लू लाइन में है जो हम बाद में पढ़ेंगे। आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, दोस्तों जानते हो आजकल मैनेजमेंट को सिखाने के लिए कई टाइप के कोर्सेज चलने लगे, आपने सुना ही होगा एमबीए, जैसे लोग बीबी के बाद एमबीए करते हैं, लोग ग्रेजुएशन के बाद भी एमबीए करते हैं, तो एमबीए क्या है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसे प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाए, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करें, ये सारी चीजें उसके अंदर सिखाई जाती है। बकायदा बुक होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, सिलेबस होता है, पूरा एक पैटर्न होता है, यानी उन्होंने मैनेजमेंट को तो पूरी किताबों में लिख के एक कोर्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, राइट दोस्तों। अब कोई बंदा एमबीए कर रहा है तो उसके बाद स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, समझ रहे हो ना, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसे इतने सारे सेमेस्टर पढ़ने और इतनी सारी बुकें मैनेजमेंट पर पढ़ने के बाद अब वो मार्केट में निकला है मैनेजमेंट की तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिकली जॉब के लिए। तो अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है, पढ़ते हैं। इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, ये एक ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनसे पैसा कमाया जाता है, तो लिखा हुआ है ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए होता है। ध्यान देना, यहां भी स्किल की जरूरत थी लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं, स्पेशलाइज्ड की जरूरत कहां होती है, प्रोफेशन में होती है, कि आप वाकई में उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड हो, परफेक्ट हो, क्योंकि आपने 2 साल एमबीए में निकाले हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, बहुत ही तरीके से चीजों को समझाया जाता है, नॉलेज दी जाती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या इसे हर कोई कर सकता है, नहीं, ग्रेजुएट होने चाहिए, कैट मैट के एग्जाम क्लियर करोगे तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, इतनी आसानी से कोई भी नहीं कर सकता ये। नंबर 3, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जब कोई करके निकलता है तो वो एज अ प्रोफेशनल होता है, अपनी खुद की फर्म, अपनी खुद की कंपनी वो खोलता है, तो इससे उसे फायदा मिलता है प्रोफेशनल एसोसिएशन करने का। नंबर 4, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अब एक प्रोफेशनल बंदा आके बेकार की बातें बोले तो क्या उसके लिए सूट करेगा, नहीं करेगा, उसके अंदर एक एथिकल कोड आ जाता है, एक तरीका आ जाता है बातचीत को करने का, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है यार, प्रोफेशनल की तो अलग ही पहचान होती है, जैसे CACS होते हैं, MBAs होते हैं, इनकी एक अलग ही पहचान होती है, अलग ही दुनिया होती है, समझो, तो वो कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये अपनी बात भी करेंगे तो उस पर एक तरीका होगा बात को करने का, प्रेजेंटेशन उनकी अलग होगी जो बाकियों से डिफरेंट होता है, अभी तो यार वो प्रोफेशनल है, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो अब आप लोग डिसाइड करो कि मैनेजमेंट वाकई में आपको क्या लगता है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, पहले पीछे से स्टार्ट करें, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता तो बुके पढ़ के कोई भी मैनेजर बन जाता, लेकिन लोग एमबीए करने के बाद भी एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते, क्योंकि किताबी कीड़ा बनने से मैनेजर नहीं बनते, एक अच्छे मैनेजर नहीं बनते। अगर ऐसा होता तो रतन टाटा और मुकेश अंबानी जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं रतन टाटा की बात नहीं कर रहा, मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने सिर्फ 10th या 12th क्लास से ग्रेजुएशन ही पास किए, कोई एमबीए नहीं किया बट फिर भी वो क्या है, बिजनेसमैन है, तो अब उनको बोले जाए कि आपने तो कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया फिर आप मैनेजमेंट कैसे संभाल पा रहे हो, तो ये कहना गलत है या नहीं, बताओ कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये गलत है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर मैनेजर एक प्रोफेशनलिस्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की बट फिर भी उनके पास नॉलेज ज्यादा होती है,
तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। तो देखो ये लिखा हुआ है मैनेजमेंट डज नॉट मीट एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इसके प्रोफेशन के एग्जैक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वी कांट से द मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, राइट। अब आते हैं साइंस पे, फिर आएंगे आर्ट पे। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो उसने लिखा मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। हाँ ठीक है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफिकली कहीं अप्लाई करें तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो कि उस रूल में लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये बोला कि अगर हम काम को टुकड़ों में बांटते हैं एम्प्लॉयज में, तो वो अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। एक चेयर बनाने के लिए बेस कोई बनाएगा, उसकी वेल्डिंग कोई करेगा, उस पर पैकिंग कोई करेगा, तो जो उनका पैकिंग कर रहा है उसको सिर्फ पैकिंग का ही काम दो, जिससे वो स्पेशलाइज्ड हो जाए उस चीज में। ये एक नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है कि अगर एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी है तो उसे एक ही काम बार 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 दो, तो हाँ ये ठीक है। लेकिन ये इतना भी ज्यादा ठीक नहीं है कि आप बोलो इससे मैनेजमेंट प्योरली एक साइंस बन जाएगा। तो हाँ ठीक है, मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस, इट्स जस्ट लाइक अ सोशल साइंस। तो सोसाइटी में जितना रूल अप्लाई हो सकता है उतना करेंगे, उससे ज्यादा साइंटिफिक रूल हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट, तो दोस्तों मैनेजमेंट प्योरली एक आर्ट है। क्यों है वो सुनो, आप लोग समझ चुके हो जब मैंने ये पढ़ाया था कि जब कोई पर्सन अपने पिछले एक्सपीरियंस को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखता है, एनालाइज करता है और उसके बाद कोई डिसीजन लेता है, तो उसका डिसीजन बहुत ही अच्छा होता है। उसको किसी बुक से या साइंटिफिक प्रिंसिपल की जरूरत नहीं होती, उसका पास्ट एक्सपीरियंस ही बहुत कुछ भूल जाता है। तो मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है, याद रखना। मैनेजमेंट क्या है? एक प्योर आर्ट है। कैसे? देखो मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट, क्योंकि ये चीजें दिल से निकलती हैं, आपके अपने स्किल से निकलती हैं, एक्सपीरियंस से निकलती हैं, इन चीजों से निकलती है। तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट। तो अब अगर आपसे कोई पूछे मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मतलब तीन में से मैनेजमेंट एक साइंस है? नो। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? नो। मैनेजमेंट एक आर्ट है? यस। बिकॉज यहाँ पर एक बंदा अपनी पर्सनल स्किल और अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करवाता है, तो मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट है। और देखो ये लिखा मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट। सो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए वो प्लीज अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख दे, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दे। अगर आप कोई कमेंट मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो फेसबुक से कनेक्ट हो जाओ, होम पेज पर जाओ, वहां पर आपको फेसबुक का लोगो मिलेगा, वहां पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो वहां पे। अगर आप मुझसे कोई कॉल पे भी क्वेरी पूछना चाहते हो तो फेसबुक कॉलिंग करो, मैं आपको डाउट जो भी होंगे वो आपके लेता रहूंगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।